पनीर बन रहे हैं आज। चलो आज तो मजा आएगा। हाय गाइस, कैसे हैं? जतिन ठाकुर इज बैक विद अनदर ब्लॉग। तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक ब्लॉग में हमने आज तक नहीं किया है। तो फिलहाल अभी हम आज एक कैरम का मैच रखा है हमने घर में, तो जिसमें मेरे भाई और मेरी सिस्टर्स खेलेंगे। तो देखते हैं आज कौन जीतेगा। ब्लैक एंड वाइट का मैच होगा ये। तो यहाँ पे चैंपियंस से मैं आपको मिलवा देता हूँ कौन कौन यहाँ पे खेलने के लिए आया है। मम्मी वहाँ बैठी है, तो ठीक है। और यहाँ पे है ठाकुर अमृत और इसके अगेंस्ट खेलेंगी गुनगुन। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। चैंपियन बनने आई है मेरे आगे। चैंपियन बनने आई है ये तुम्हारे आगे। और तुम्हें चैंपियन है, तुम्हारे को गलत फहमी हो रही है। तुम्हें बहुत बढ़िया चैंपियन है। अभी इसकी गलत फहमी जरा दूर कर दी जाएगी। कैसे? 5 मिनट के अंदर अंदर। 5 मिनट्स के अंदर अंदर देख लेंगे कौन जीतता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया है। जो शॉट मारेगा उसे व्हाइट लेनी है और दूसरे वाले को ब्लैक लेनी है। तो इस ठाकुर के अगेंस्ट खेलेंगी गुनगुन। तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, चलिए शॉट। और ये भी एक नंबर के नकली खिलाड़ी हैं। आपको कैरम नहीं आता है, आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकती हैं। मैं खेल सकती हूँ। हाँ तो खेलिए आप, लेकिन 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 आप ये वाला गेम मत खेलिए। आप सांप सीढ़ी बेटर खेलेंगी, क्योंकि आप उसी से मैच करती हैं। ब्लैक आ गई, ऐसे दिखा रही है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो, एक ब्लैक लेके। और अभी रिजल्ट आ चुका है और इस गेम के विनर हैं मिस्टर ठाकुर अमृत डिसूजा। अब नेक्स्ट चैंपियन को भेजो जो हाई लेवल को। और अब मेरा मैच है इससे, इसके साथ देखते हैं कितना बड़ा चैंपियन है, क्या मुझे हरा पाता है। क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा पाएंगे? 100% नहीं, 110% 110% बोलना चाह रहा है ये, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 1% भी मुझे हरा पाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो मैच स्टार्ट। घमंड नहीं करना चाहिए। लाओ लाओ लाओ, इसको घमंड है। क्या आपको लग रहा है मेरे चेहरे से घमंड है? नहीं है ना? चलिए ठीक है। ऑल राइट, तो मैं पहला शॉट ले रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा, और मैं जीत गया हूँ। तालियां। और वो बेचारा वहां पे जाके लेट गया है। बहुत बड़े चैंपियन बन रहे थे लेकिन मेरे आगे। नहीं, अच्छा खेला, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ चैंपियन नहीं हूँ। मैं हारते हारते बच गया, लेकिन मैं जीत गया एंड टाइम पे। बहुत अच्छा ही चैंपियन है वो भी। तो आपको कैसा लगेगा कि आपका बड़ा बेटा जीत गया है? मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरा बड़ा बेटा जीता। छोटा भी जीतता तब भी मुझे प्राउड होता, क्योंकि बेटा का बेटा ही होता। बेटे तो बेटे ही होते हैं। एक पिक्चर आई थी, अपने तो अपने होते हैं। लगता है धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन बेटे तो बेटे होते हैं, कोई ब्लॉग बनाएंगे। चलिए आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में। कुछ नया सोचेंगे अगले एपिसोड में। मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, तो आप लोग मुझसे जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतने कमेंट्स करिए, और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जीत के लिए तो लाइक बनता है ना।